दोस्तों भूल भुलैया टू की बात की जाए तो भूल भुलैया टू में कियारा आडवाणी के साथ साथ में आपको कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव और राजपाल यादव की कॉमेडी के साथ साथ में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और तब्बू की बात की जाए तो तब्बू की एक साइको की भूमिका होने जा रही है। दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से भूल भुलैया टू नज़र आने वाली है। भूल भुलैया वन में जो कि अक्षय कुमार नज़र आए थे और उस समय राजपाल यादव ने भी अच्छी खासी कॉमेडी की थी, जिसमें कि विद्या पालन भी दिखाई थी। विद्या पालन का एक साइको वाला किरदार होता है, लेकिन विद्या पालन की अब जगह ली है इस समय तब्बू ने। तब्बू नज़र आने वाली हैं भूल भुलैया टू में। वहीं अक्षय कुमार की जगह ली है कार्तिक आर्यन ने। कार्तिक आर्यन के साथ साथ में कियारा आडवाणी भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सभी के बीच में राजपाल यादव को देखना वाकई में इस बार ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। राजपाल यादव अपनी कॉमेडी के बलबूते से सभी को एंटरटेनमेंट और हंसाते हुए नज़र आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन की बात की जाए तो तब्बू के साथ में वो इस मूवी को वाकई में काफ़ी सुर्खियों में ला रहे हैं। वहीं पे बात की जाए कियारा आडवाणी की तो कियारा आडवाणी का काफ़ी हॉट और काफ़ी बोल्ड अंदाज भी देखने को मिलने वाला है भूल भुलैया टू में, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच में जल्द ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर कियारा आडवाणी क्यों इस बार राजपाल यादव और कार्तिक आर्यन के साथ में करने जा रही हैं, इसका भी मैं खुलासा कर देता हूं। क्योंकि कियारा आडवाणी खुद एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टैलेंटेड के साथ साथ में एक एंटरटेनमेंट एक्टर्स में से गिनी जाती हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने बताया था कि इस बार कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री देखने लायक होगी, क्योंकि ऑडियंस का काफ़ी ध्यान खींचने में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कामयाब भी होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जल्द ही देखने को मिलेगा कि कियारा आडवाणी के साथ साथ जो नज़र आएंगी तब्बू। तब्बू और कियारा आडवाणी दोनों ही एक्टर्स हैं, ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी मूवी की हैं और सुपरहिट मूवी में इनका नाम दर्ज कराया भी जा सकता है। क्योंकि इस बार अक्षय कुमार ने अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि तब्बू और कियारा आडवाणी इस बार इस मूवी को सुपर डुपर हिट कराने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही हैं। डायरेक्टर की बात की जाए तो डायरेक्टर का कहना यह है कि भूल भुलैया टू जो कि एक हंसी की और एक हॉरर मूवी के तौर पर बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलेगी। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कियारा आडवाणी एक ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी मूवी सुपरहिट मूवी भी दी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर भूल भुलैया टू से जितने दर्शक उम्मीद कर रहे हैं क्या वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। ये तो वाकई में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही हंसी कि इसमें क्योंकि हंसी और कॉमेडी से भरपूर होने जा रही है भूल भुलैया टू। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।